राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नितिन भटारकर ने की WCL के दफ्तर में तोड़फोड़। कल रात को केंद्रीय के हमले में गई थी 8 साल के मासूम की जान। नाना के अंत्येष्टि के लिए चंद्रपुर के भद्रावती से दुर्गापुर आया था 8 साल का मासूम नवासा। नाना की मौत के गम में जहां पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ था, उसी बीच रात के समय घर के पीछे से एक तेंदुआ आता है और बेचारे 8 साल के मासूम प्रतीक पर हमला करता है। प्रतीक को अपना निवाला बनाने के बाद तेंदुआ तो वहां से निकल जाता है, किंतु वन विभाग और स्थानीय वेकोली प्रशासन पर लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ता है। तेंदुए के हमले के बाद इलाके में जमा हुए भीड़ ने वेकोली के जंगली इलाके में आगजनी भी की। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खबर। नमस्कार दोस्तों, 30 मार्च को दुर्गापुर पुलिस थाने के इलाके में आने वाले समतानगर में तेजराम मेशाम नामक एक शख्स का निधन होता है, जिनके अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए भद्रावती के बेलोरा निवासी उनकी पुत्री, दामाद और उनका नवासा पहुंचते हैं। रात का वो समय था जब समतानगर स्थित तेजराम मेशाम इनके निधन का मातम घर में चल रहा था। तकरीबन 9 बजे का वो समय घर के पीछे से वेकोली इलाके से होते हुए जंगली झाड़ों में से एक तेंदुआ आता है। किसी को कुछ भी भनक लगे उससे पहले ही तेंदुआ अपना काम कर वहां से चला जाता है। तेंदुआ 8 साल के मासूम प्रतीक बावने को अपना निवाला बना चुका था। तेंदुए के हमले का वो भयावह मंजर देख लोगों का खून खौल उठा। लोगों ने वेकोली के जंगल इलाके में आगजनी की। जानकारी के बाद वन विभाग और पुलिस ने घटनास्थल पर दस्तक दी, किंतु तब तक मासूम प्रतीक तेंदुए का शिकार हो चुका था। तेंदुए के हमले में मासूम प्रतीक के मौत के बाद आज सुबह राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नितिन भटारकर ने वेकोली के दुर्गापुर सब एरिया के दफ्तर में जाकर तोड़फोड़ की। मागच्या 2019 पासून आम्ही पाठपुरा करता आमच्या एक क्षेत्रातील वाघाच्या बिबट्याच्या हल्ल्या जवळपास कालपर्यंत 12 लोकांचा बळी गेला होता। आम्ही WCLला वारंवार निवेदन दिले, 12 मार्चला येऊन सभेयांना भेटलो होतो का तुमच्या प्रिमायसेस मधल्या जागेची साफसफाई करा। त्यांनी आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं, त्याच्यामुळे काल WCLच्या जागेवर साफसफाई न केल्यामुळे एका 8 वर्षाच्या निष्पाप मुलाचा बळी गेला। अजूनही प्रशासन सुस्त आहे, आम्ही वारंवार यांना फोन करतो त्यांनी टाळाटाळ करते। आमच्या या परिसरातील लहान मुलांचा आणि सर्वसामान्य नागरिकांचा जीव जात आहे यांच्या निष्काळजीपणामुळे, आणि यांनी झोपलेले आहे यांना जागा करण्याकरिता आज आमचं हे उद्रेक आंदोलन आहे। अजूनही जर यांनी यांच्या जागेची साफसफाई केली नाही ना आमच्या या परिसरातील नागरिकांचा जीव जात आहे, त्याच्यामुळे आमचा हा उद्रेक आहे। यांनी अजून आमच्या मागणीची दखल घेतली नाही याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन करणार आम्ही। दुर्गापुर और आसपास के इलाके में बाघ तेंदुए का खौफ इस कदर हावी हो चुका है कि लोग कई जाने आने के लिए भी अब घबराने लगे हैं। बाघ और तेंदुए के हमले में 3 लोगों की मौत होने के बाद राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नितिन भटारकर ने अनशन किया था। तब उन्हें आश्वासन मिला था कि जल्द बाघ और तेंदुए को पकड़ा जाएगा, वेकोली और CSTPS के जंगली इलाकों की सफाई की जाएगी, किंतु प्रशासन के सुस्त रवैये के चलते अब तक गांव के आसपास के जंगली इलाके जैसे के वैसे ही बने हुए हैं। इसी विषय को लेकर आज नितिन भटारकर ने वेकोली दुर्गापुर के सब एरिया मैनेजर से बात करनी चाहिए, किंतु संपर्क ना होने से नितिन भटारकर ने वेकोली दफ्तर में तोड़फोड़ की है। आखिर कब जागेगा प्रशासन, जंगली जानवरों के आतंक से कब जनता लेगी राहत की सांस? ये वो सवाल है जो हर आम इंसान पूछ रहा है, लेकिन इस पर जवाब आने से पहले ही बाघ और तेंदुए के हमले की खबर आ जाती है। टीम VL24 न्यूज़।